नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने मेरी एक नई कविता लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कविता लिखने की प्रेरणा मुझे कुछ दिनों पहले KBC देखते देखते हुई। वहां पर एक 7 करोड़ रुपए का सवाल था कि श्री B.R. अंबेडकर जी की थीसिस का नाम क्या था। जब मैंने थोड़ा सर्फिंग किया उसके बारे में, तब मुझे समझा कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर के पास 4 डॉक्टरेट डिग्री थी। मुझे वो बात का ज्ञान नहीं था। मुझे खुद को बुरा लगा कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, हम उसकी उसको मानते हैं, उसकी हम पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं, उनके रचयिता के बारे में हमारा अज्ञान, स्पेशल मेरा अज्ञान काफ़ी था। तो मैंने फिर सोचा कि जो ऐसे महानुभाव व्यक्तित्व है उनके बारे में धीरे धीरे हमें थोड़ा जानना चाहिए। मुझे भी अजीब लगा, बेसिकली काफ़ी अगर हिस्ट्री में देखा जाए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमें कहीं बताया नहीं गया, खाली कविता थी जिसके बारे में थोड़ा हमने सुना और बाद में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। बाकी काफ़ी ऐसे महानुभाव हैं जिनके बारे में हमें बहुत पता नहीं है, क्या पता नहीं चला, जो भी है। तो मैंने सोचा कि चलो इसी उपलक्ष्य में एक कविता की रचना की जाए, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है, शिक्षक दिन पर इनको तो पहचानिए। और एक कविता मैंने एक नए अंदाज में लिखी है, उसको टर्सेट बोलते हैं, मीन्स 3 स्टांजा का वर्स जो रहता है, तो 3 लाइन का स्टांजा बेसिकली इट इज जो रहता है। तो इस तरह से मैंने लिखने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूँ आपको ये कविता और इसकी रचना पसंद आएगी। यह है हमारे देश के ऐसे विद्वान जिन्हें नहीं मिल सका वो पर्याप्त ध्यान, तो चलो आज इनको हम लेते हैं जान। तिरुत्तनी चित्तौर में लिया इन्होंने जन्म, सीताम्मा व वीरस्वामी की है वो संतान जी, सर्वपल्ली राधा कृष्ण है इनकी पहचान। गांव से पढ़कर मद्रास में बने स्नातक, शिक्षा के प्रति लगाव से बने वे प्राध्यापक, कई प्रतिष्ठित पदवियां पाकर पहुंचे कुलपति तक। संयोग से लिया फिलोसॉफी का ज्ञान, पर विश्व को समझाया हिंदुत्व का मान, अभेद नीति से दिया हर मनुष्य को सम्मान। राजनीति में तो कोई नहीं था इनका मार्गदर्शक, अपने बलबूते पर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, संविधान सभा अध्यक्ष से राष्ट्रपति पद तक। प्रतिष्ठित पुरस्कार तो कई इन्होंने पाए, भले नोबेल प्राइज से 27 बार वंचित रह जाए। नाइट, ऑर्डर ऑफ मेरिट, भारत रत्न तो आए, न केवल शिक्षा के, धन के भी है यह दानी, इनकी महानता व विनम्रता तो तब मैंने जानी, 5 सितंबर को खुद का छोड़ शिक्षक दिन मनाने की ठानी, 5 सितंबर को खुद का छोड़ शिक्षक दिन मनाने की ठानी। ऐसे महानुभाव के बारे में कविता सुनकर हमें उनके प्रति और उत्सुकता होती है ज्यादा जानने की। आशा करता हूँ आप इनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। और जिस व्यक्ति के पीछे हम ये टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिन मनाते हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।